लता मंगेशकर की आवाज़ इतनी मधुर है तो उसमें एक योगदान मालवा की मिट्टी का भी है। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ है और वह मालवा का प्रमुख क्षेत्र है, तो ऐसा मेरा मानना है कि मालवा की मिट्टी में जो भी जन्म लेता है उसकी आवाज़ मधुर होती ही होती है। यहाँ के अधिकांश लोगों की बोली बहुत ही मीठी होती है जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती है, और बाकी उनके अभ्यास सतत प्रयास का भी योगदान रहा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में जो भी जन्म लेता है उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और मीठी होती है। ये कई परीक्षणों में सिद्ध हो चुका है। यदि हम राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही खरापन होता है, कठोरता होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र के लोगों की बोली और उसका अंदाज अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर जो मालवा क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों की बोली वास्तव में बहुत ही अधिक मीठी है, तो उसका असर गायन पर भी पड़ता है। इतना मधुर गायन जो होता है उसका उसके पर्यावरण स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। किशोर कुमार भी खंडवा में रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी कुछ बात है जो लोगों की बोली और आवाज़ को प्रभावित करती है, और मालवा की मिठास उसकी आवाज़ में भी प्रकट होती है, उसके गायन में भी प्रकट होती है। बाकी मेरा ये नहीं कहना है कि मालवा की मिट्टी के कारण ही बहुत ही मधुर आवाज़ है, उसके लिए ईश्वर का भी योगदान है, उनके अभ्यास का भी योगदान है, परंतु मालवा की मिट्टी की में कुछ बात तो है, तो यहाँ के अधिकतर लोगों की आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर कर्णप्रिय होती है।